हेलो बच्चों वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो दिस इज द सेक्शन फोर वीडियो जहां पर हम लोग पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन करने वाले ये आपके पिछले पेपर वन में फॉलोइंग मार्किंग स्कीम फुल मार्क्स प्लस थ्री इफ ओनली द करेक्ट न्यूमेरिकल तो ये तो पैराग्राफ तो है लेकिन साथ में बच्चों की न्यूमेरिकल टाइप भी आंसर जो है न्यूमेरिकल आएगा इज एंटर्ड बाकी सब केस में आपको जीरो ही मिलेंगे मतलब अगेन नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है चलिए पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं पैराग्राफ कह रहे हैं कि यार एक एस uh, है सेट एस वन से लेके सिक्स अंदर सिक्स तक एलिमेंट्स है एक्स में सारे के सारे रिलेशन ले लो जो ये प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे क्या प्रॉपर्टी है कि मॉड ऑफ ए माइनस बी दो से बड़ा होना चाहिए इक्वल भी चलेगा और छह एलिमेंट होने चाहिए इसके अंदर तो बेसिकली एक्स के पास ऑप्शन क्या क्या है ट मीन ए माइनस बी का मॉड जो है वो टू से बड़ा या इक्वल आना चाहिए तो एक बार करके पहले हम इसको लिख लेते हैं सारी पॉसिबिलिटी मिल जाएगी हमको तो पहले मैंने ए को डाला वन तो बी कैन बी देखो बी को थ्री से बड़ा होना पड़ेगा वन के साथ थ्री माइनस करोगे तो टू मिलता है तो वन थ्री वन फोर वन फाइव वन सिक्स नेक्स्ट चलेंगे टू पे टू फोर टू फाइव टू सिक्स देन वी गो टू द्री थ्री फाइव थ्री सिक्स एंड थ्री फाइव थ्री सिक्स हो गया और फिर यहां पर मॉड लगा तो किसी ने कहा नहीं कि भाई ए की एक ही वैल्यू ही आपको कंसिडर करनी है पहले आप बी भी, भी कर सकते हो तो इन सब के सिमेट्रिक रिलेशन भी लेने पड़ेंगे सिमेट्रिक वैल्यू तो यहां से आ गया थ्री वन फोर वन फाइव वन सिक्स वन टू फाइव टू सिक्स टू फाइव थ्री और वन फोर सॉरी नहीं फाइव थ्री सिक्स थ्री नॉट नॉट दिस वन सिक्स थ्री एंड सिक्स फोर ये हमने लिख दिए बेसिकली इन सब की इन्वर्स uh, वैल्यूज तो एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस

नेक्स्ट कह रहा है कि ये भी एक सबसेट ऑफ x है s टू एस लेकिन ये क्या होना चाहिए ये फंक्शन होना चाहिए ठीक है तो इसने x y z तीन फंक्शन तीन रिलेशन डिफाइन किए हैं अब वो कह रहा है कि मुझे बताओ x में अगर एम सी सिक्स एलिमेंट है तो m की वैल्यू क्या है तो यहां पर हमने कैलकुलेट किया ट्वेंटी ऑप्शन विद x तो 20 में से आपको छह एलिमेंट सेलेक्ट करोगे तो आपको x मिल जाएगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x कैन बी

तो क्या ऐसा कोई पॉसिबल है कि इसकी रेंज इसकी एग्जैक्टली वन है ऐसे रिलेशन कितने बन जाएंगे बच्चों जीरो तो ये वैल्यू आ गई जीरो अब इसने कहा कि यार सही है मेरे को मतलब कि हर एक पे एक वैल्यू तो वन के पास ऑप्शन क्या क्या है देखो यहां पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और यहां पर भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फंक्शन चाहिए तो वन एक तो डिफरेंस जो है वो तो दो या दो से बड़ा होना चाहिए तो वन के पास थ्री फोर फाइव सिक्स चार ऑप्शन है टू के पास चलते हैं तो टू के पास वन थ्री नहीं है फोर फाइव सिक्स तीन ऑप्शन थ्री के पास वन है और फाइव एंड सिक्स अगेन तीन ऑप्शन के पास फोर के पास वन भी है टू भी है और सिक्स बी है तीन ऑप्शन फाइव के पास फाइव के पास वन टू और थ्री तीन ऑप्शन और सिक्स के पास वन टू थ्री फोर चार ऑप्शन इतने फंक्शन पॉसिबल है तो ये कितना आ जाएगा बच्चों स्क्वायर और थ्री की पावर फोर अब इसने बोला कि ये जो वैल्यू है जीरो प्लस फोर स्क्वायर इंटू थ्री पावर फोर दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर जीरो हटाओ दोनों तरफ रूट लोगे के की वैल्यू आ जाएगी फोर इंटू थ्री स्क्वायर नाइन फोर या थर्टी सिक्स ठीक है

ऐसा क्वेश्चन देखते ही समझ जाओ कि यहां पर आपको किंग्स प्रॉपर्टी लगानी है तो यहां पर बच्चों इसको मैंने आई माना सिर्फ इतने से पार्ट को एक बार के लिए इसको अलग सॉल्व करेंगे इसको अलग सॉल्व करेंगे तो आई हमारे पास आ गया टू इंटीग्रेशन जीरो से पाए बाय टू एफ पाए बाय टू माइनस एक्स क्या बन जाएगा बच्चों को स्क्वायर एक्स इंटू जी पाई टू माइनस एक्स ध्यान से देखना एक्सना एक्स क्या है अंडर रूट यहां पर आप एक्स कॉमन लो पाई टू माइनस एक्स तो यार जी बाई टू माइनस एक्स पता है क्या है चेक करना आपको जी एक्स ही मिल जाएगा फिर से ठीक है तो यहां पर अगर हम जीरो से पाई बाई टू स्क्वास कर रहे हैं और साथ में जी पा बाई टू माइनस एक्स लिख रहे हैं तो वो तो वैल्यू जी एक्स ही है डीएक्स तो दिस बिकम्स टू टाइम्स जीरो से पाए बाय टू कॉ स्क्वायर एक्स जी एक्स ये हो गई सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन बच्चों यहां से आ गई एफ एक्स की जगह साइंस स्क्वायर जी एक्स की जगह जीएक्स आपने फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है तो टू टाइम्स इंटीग्रेशन जीरो से पाए बाय टू ठीक है यह है साइन स्क्वायर एक्स Gx, ये है कॉमन लो की वैल्यू वन हो जाएगी ठीक है ये हो गया तो ये है सिर्फ टू आई की वैल्यू आपने ऐड किया है ना दिस तो इज टू आई तो टू से टू कट गया आई की वैल्यू आ गई है जीरो से पाई बाई टू जी एक्स दिस इज नथिंग बट जीरो टू पाई बाई टू जी एक्स

ये वन बाई टू जीरो से पाई बाई टू जी एक्स डी एक्स है बेसिकली जी एक्स जो फंक्शन है इसका जीरो से पाई बाई टू इंटीग्रिय कर, इंटीग करके हाफ करना है हमको तो एक तरीका तो ये है कि यार आप यहां पे इसको पुट कर दो और उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा के सॉल्व कर सकते हो दूसरा तरीका और भी अच्छा है इसको आप ध्यान से देखो जी एक्स अगर मैं वाई लू तो वाई इज वाई स्क्वायर कर दिया मैंने वाई स्क्वायर क्या है बच्चों पाई एक्स बाई टू माइनस एक्सक्वायर तो माइनस कॉमन लो एक्स स्क् माइनस पाई एक्स बाय टू तो यहां पर इसमें कंप्लीटिंग होल स्क्वायर लगाएंगे हम ठीक है तो मैंने टू का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो टू एक्स पाई बाई फोर बन गया मतलब कि पाई बायोर का स्क्वायर एड एंड सब्रैक्ट करना है ठीक है तो ये इक्वेशन बन जाएगी वाई स्क्वायर इज पाई बाय फोर का स्क्वायर माइनस

पाई बाय टू तो हमें एरिया चाहिए जीरो से पाई बाय टू का और उसको हाफ करना है तो बच्चों ये पाई बाय फोर इसका सेंटर है रेडियस पाई बाय फोर है मतलब जीरो से पाई बाय टू इसको सेमी सर्कल का एरिया चाहिए हाफ मतलब कह सकता हूँ क्वार्टर सर्कल का एरिया चाहिए क्वार्टर सर्कल जिसमें रेडियस पाई बाय फोर है तो पाई आर होता है पाई आर पाई बाई फोर कर रहा हूं क्योंकि हमें क्वार्टर सर्कल का एरिया चाहिए आर भी क्या है पाई बाय फोर तो पाई बाय फोर इंटू पाई बाय फोर का स्क्वायर ये आ गया टोटल इसका इतना एरिया जो भी हमको रिक्वायर्ड था ये इंटीग्रेशन इंटू क्यूब कर दो ठीक है देखो बच्चों यहां से क्या आएगा फोर क्यूब नीचे है पाई क्यूब से पाई क्यूब कट गया सिक्सटीन बाय फोर क्यूब सिक्सटीन बाय सिक्सटी फोर सिक्सटी कैंसिल कर दो वन बाय फोर इज द आंसर जीरो पॉइंट टू फाइव